بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد तमाम किस्म की तारीफ किब्रियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए लायक व ज़ेबा है और लाखों नहीं करोड़ों दरूद सलाम हो तमाम अंबिया इकराम पर खुसूसन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। اللهم صل على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पहली नशिस्त है तौहीद और शिर्क के तफसीली बयान से मुताल्लिक। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में जो हुक्म दिया है और जो बंदों पर सबसे पहला मसला या पहला हुक्म जो बंदों पर फर्ज है वो है तौहीद का। फअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तगफिर लिज़म्बिक कि तुम ये तौहीद का इल्म हासिल करो। अब तौहीद का इल्म हासिल करने में साथियों चार चीजें दाखिल है, या तौहीद का कुल्ली यानी कुल्लियतन मुकम्मल उसको समझने के लिए ये चार मराहिल से हमें गुजरना पड़ेगा जैसे अल्लामा रहमानी ने बयान किया। पहला तो फहम है कि इंसान के पास बसीरत हो, इल्म हो, तफक्कु हो, उसके पास मारिफत हो तौहीद की। दूसरी चीज क्या है कि उसका एतकाद यानी उसका जो अकीदा है, वो जो उसने पढ़ा है, उस पर वो ईमान लाए, उसकी तस्दीक करे, जिन बातों का इनकार करने का हुक्म दिया गया उसका इनकार करे, यह एतकाद। तीसरी चीज या तीसरा मरहला ये है कि उसके जो तकाजे हैं तौहीद के तकाजों को पूरा किया जाए। और चौथी चीज ये है कि तौहीद की नशर इशाअत की जाए, बात दूसरी तरफ ना जाए। तो फअलम कि इल्म हासिल करना है तौहीद का, फिर उसके बाद अपने गुनाहों से मगफिरत तलब करना है। क्यों कि इंसान अगर बगैर तौहीद के कोई भी आमाल करे, जैसा शेख अब्दुल रज़ाक अल बद्र ने मिसाल दी, गोया ऐसे ही है कि वो बगैर वजू के नमाज पढ़ रहा है। जिस तरह नमाज के लिए शर्त है वजू, उसी तरीके से आमाल की कबूलियत के लिए इंसान की नजात का जो दारोमदार है वो किस पर है, वो तौहीद पर है। बात समझाने के लिए एक वाकया जो मुतअद्दिद मुहद्दिसीन ने नकल किया है, जो असल में सैयदना उम्मे सलमा सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का वाकया है, और इस वाकये को शेख अल्बानी रहमहुल्ला ने सही भी करार दिया है अस-सहीहा के अंदर। कहते हैं उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अन उम्मे सलमा कालत या रसूल अल्लाह इन हिशाम इब्न अल मुगीरा काना युतइमु अत्तआमी व यक़्रि ज़ैफा وَيَسْلُ الرَّحْمَ رَحِمَ وَيُفَكُّ الْآنِيَ فَلَوْ أَدْرَكَكَ أَسْلَمَ فَهَلْ لَهُ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ। उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला ना कहती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिशाम इब्न मुगीरा भूखों को खाना खिलाया करते थे, मेहमान की तादीम किया करते थे, रहमा यानी जो है सिला रहम का ताल्लुक यानी अपने जो रिश्तेदारी जो ताल्लुकात थे उन ताल्लुकात को जोड़ते थे और गुलामों को आजाद किया करते थे। अगर इस्लाम उन तक पहुंच जाता तो इस्लाम कबूल कर लेते, क्या उनको अजर मिलेगा। इस हदीस को इमाम तबरानी ने मौजमुल कबीर के अंदर नकल किया है और शेख अल्बानी ने सहिया के अंदर इसको सही करार दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, इन्नहु उम्मुकी
كان يؤتي الدنيا وذكرها وجمالها وما قال يوما قط اغفر لي يوم الدين. कि ये जो तुम्हारे चाचा ने या तुम्हारे मामू ने ये जो तुम्हारे जो सदका दिया है ये दुनिया के लिए दिया, रिया मकसूद था और ताकि लोग उनकी तारीफ करें और वो मरने के बाद उनका जिक्र जिंदा रहे। उन्होंने किसी एक दिन भी ये नहीं कहा कि या अल्लाह कयामत के दिन मेरी मगफिरत फरमा। अब इस हदीस से क्या बात पता चली साथियों, इस हदीस से ये बात पता चली कि अमल जो है लाजिम है, तौहीद जो है लाजिम है अमल करने से पहले, ये बात पता चली। तो इंसान चाहे जितने भी आमाल कर ले, जैसा मैंने कहा एक सिफर को आप ले लें, अगर एक के बाद सिफर यानी जीरो को डाला जाए तो उसकी तो कोई अहमियत है, लेकिन एक से पहले कितने भी जीरो डाल दिए जाए उसकी क्या अहमियत नहीं है। तो तौहीद बेहद जरूरी है। فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ। अच्छा, ये तो थी पहली बात। दूसरी बात जो है वो ये है कि क्यों तौहीद से हमें इब्तदा करनी चाहिए या तौहीद को हमें अव्वल रखना चाहिए। इसकी पांच वजूहात अहले इल्म ने बयान की है। मैं यहाँ पर शेख रबी अल-मदखली हफ़िज़हुल्लाह का हवाला देना चाहूंगा। उनकी एक किताब है सिलसिला रसाइल अल-इल्मिया, जिसके सफा नंबर है 320 और 321। उसके अंदर आप लिखते हैं कि ये वाजिब है उलमा पर कि ये इस मनहज को इख्तियार करें, अरबी में है, ये इस मनहज को इख्तियार करें, और ये नाजायज है कि वो अंबिया के मनहज की मुखालिफत करें। और अंबिया का तरीका क्या था, आप तमाम अंबिया अलैहिस्सलात वस्सलाम की दावत को देखें। हमने पिछले दर्स में सैयदना हारून अलैहिस्सलात वस्सलाम की दावत को देखा, जिसमें पहले तौहीद का जिक्र किया गया, फिर रिसालत का जिक्र किया गया, फिर अहकाम शरीयत का जिक्र किया गया। इसी तरीके से यानी तमाम अंबिया की दावत ही यही थी कि वो सबसे पहले तौहीद से कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह लअल्लक तुफ्लिहु तमलिकुल अरब वल अजम, कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ दुनिया और आखिरत की सआदत से। जैसे अल्लाह ने तैमिया रहमहुल्लाह ने बयान किया कि जो अहले तौहीद है वही अहले सआदत है, यानी वही खुश, यानी वही दुनिया और आखिरत में खुश रहने वाले। तो क्या वजह है कि अंबिया के नहज को अपनाया जाए? जाहिर सी बात है, इब्तिदा ना अखलाक से की जाएगी, इब्तिदा ना खिदमत से की जाएगी, इब्तिदा ना किसी के हकूक से किए जाएंगे, इब्तिदा दावत में सबसे पहले तरजीह वो तौहीद को है। और यही अंबिया अलैहिस्सलाम का तरीका, यही अंबिया का उसलूब रहा है। सबसे पहली चीज, इसकी मुखालिफत क्यों नहीं कर सकते? पहली चीज ये है कि ये वही तरीका है जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी है, और इसी तरीके पर अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने के लिए अंबिया अलैहिस्सलात वस्सलाम ने इसी रास्ते को अपनाया है कि नहीं, यानी तौहीद के जरिए से। दूसरी बात, तमाम अंबिया अलैहिस्सलात वस्सलाम ने यही तरीका अपनाया है। ये इस बात की दलील है कि अगर इसमें इज्तिहाद और राय की गुंजाइश होती तो कोई नबी कोई और तरीका इख्तियार करता, कोई नबी अखलाक से इब्तदा करता, कोई हुकूक निस्वा से इब्तदा करता, कोई माशरत से इब्तदा करता, कोई इबादत से इब्तदा करता। नहीं, तमाम अंबिया अलैहिस्सलात वस्सलाम का इस बात पर मुजमा अलैह होना इस बात की दलील है कि ये एक ऐसा अम्र है जिसमें राय और इज्तिहाद की कोई गुंजाइश नहीं। तीसरी चीज, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह वाजिब कर दिया कि आपको भी उन्हीं की तरह दावत देना है, जब आपने 18 सूरह अनाम के अंदर कि इन जैसे इन लोगों ने तौहीद को, यानी ये चीज का हुक्म, यहाँ पर याद रखिए कुरान मजीद के अंदर जहां पर किसी चीज का हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जा रहा है तो बदरजे उला वो हुक्म हम पर भी सादिकाता है, यानी उम्मती पर, ठीक है। चौथी चीज कि ये जो तरीका है ये बेहतरीन और मुकम्मल तरीका है। जैसे खुद देखें आप, क्यों, इसकी दलील क्या है? सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अबुल अंबिया है, आप उनकी दावत को देखें, सबसे पहली चीज जिसकी जिक्र जिसकी दावत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दी वो क्या थी? तौहीद की दावत। तो ये जो तरीका है सबसे कामिल यानी नक्स और ऐब से मुबर्रा और मुनज्जा है, यानी इससे बेहतरीन तरीका दावत का कोई और नहीं हो सकता। पांचवी चीज ये है, मैं इख्तिसार से निकात बयान कर रहा हूं कि जब कभी अख्तलाफ हो, अगर हमें मिसाल के तौर पर कोई कहे कि नहीं हालात दुरुस्त नहीं है, आपको इससे नहीं हो सकता है, कोई नाराज हो जाए तो यहाँ पर इख्तलाफ हो जाए, आपको कोई कहे कि नहीं आप इससे इब्तदा ना करें, किसी और मौजू पर दर्ज दें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में कहा सूरह निसा के अंदर, फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन अहसनु तअवीला।
अब जब इख्तलाफ होगा तो हमें कहाँ रुजू करना है, दीन खुदा के दो ही उसूल, अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अल्लाह की किताब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन क्या कहते हैं। और वादे तौर पर आप कुरान मजीद को ले लें, जिस पर अभी अभी हम आएंगे, और अहादीस को ले लें, सबसे पहले तरजीह तौहीद को दी गई है। तो ये दूसरी बात थी कि क्यों तौहीद से हम इब्तिदा करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं तीसरी बात पर, वो ये है कि आया कुरान मजीद के अंदर, जैसा मैंने कल कहा कि कुरान मजीद की हर आयत तौहीद के ऊपर जो है दलील है, या तौहीद की तरफ इशारा करती है। जैसे अल्लामा कय्यिम रहमहुल्लाह ने मदारिजुस सालिकीन शरह मनाजिल सागरीन के अंदर बयान किया, आज हम उसको समझेंगे कि ये क्यों अल्लामा कय्यिम रहमहुल्लाह ने कहा, और उसके बाद चंद आयतें हम देखेंगे कि जिससे ये बात वाजे हो जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास तौहीद का क्या मकाम है। अल्लामा कय्यिम रहमहुल्लाह मदारिजुस सालिकीन के अंदर कहते हैं, ये मदारिजुस सालिकीन जिल्द जिल्द नंबर है, जिल्द नंबर मदारिजुस सालिकीन जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 450 जो नुस्खा मेरे पास है। अल्लामा कय्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि ये जो कुरान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है, कहते हैं कि इसकी हर आयत, इसके अंदर तौहीद पाई जाती है, तौहीद की गवाही पाई जाती है, तौहीद की तरफ दावत पाई जाती है। और फिर कहते हैं इम्मा खबरुन अनिल्लाहि तआला व असमाइही व सिफातिही व अफआलिही व अखवाली फहुव तौहीदुल इल्मीयुल खबरी। पहला नुक्ता बयान करते हैं कि कुरान मजीद की हर आयत, या कुरान मजीद की आयतों पर आप गौर करेंगे तो बाज आयतें ऐसी होंगी जो अल्लाह के मुतालिक है, अल्लाह के असमा के मुतालिक है, अल्लाह के सिफात के मुतालिक है, अल्लाह के अफआल के मुतालिक है। तो ये गोया क्या है, ये वो तौहीद है जो तौहीद इल्मी कबरी है, यानी अल्लाह ताला का इल्म और अल्लाह ताला के मुतालिक जो अखबार वो बयान कर रही है, ये आयतें, या तो आयतें ऐसी मिलेगी। फिर कहते हैं वाम दावतुन इला इबादती वहदहु ला शरीक लहा वकल इमा युबदु मिन दूनी फहुव तौहीदुल आरादियुत तलबियु आरादियुत तलबियु। यानी कहते हैं के बाद आयतें आपको ऐसी मिलेगी जिसमें इस चीज की तरफ दावत दी जा रही है मखलूक को कि वो अल्लाह ही की इबादत करे और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना करे, और हर उस चीज या हर वो शय जिसकी इबादत की जाती है अल्लाह से हटकर उसका इनकार करे। तो ये तौहीद इरादी अत्तलबी है, यानी ये भी तौहीद की एक किस्म है बाद आयतों में। फिर तीसरी बात कहते हैं वह इम्मा अमरुन व नहयुन वह इल्लाम बिताती व अम्री व नाही फहुआ तौहीद। कहते हैं कि बाज आयतें आपको ऐसे मिलेगी जहां पर अवामिर और नवाही है, और ये बुनियादी तकाजों में से उसकी इताअत की, ताकि यानी उसकी इताअत कैसे की जाएगी, अल्लाह की इताअत ऐसे की जाएगी कि जिस चीज से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोका है उससे हम रुक जाए, और जिस चीज के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करने का हुक्म दिया है हम उसको बजा लाए। तो ये तौहीद के तकाजों में से है, तौहीद के हुकूक में से, बल्कि आगे चलकर लिखते हैं कि ये तौहीद के कमाल में से है, तौहीद को यह मुकम्मल करती है बंदे की। फिर बाज आयतें ऐसी है, कहते हैं वह इम्मा खबर अन इकराम अहले तौहीद वमा फुइला बिहिम फिद दुनिया वमा युकर्रिमुहुम बिही फिल आखिरा फहुवा जज़ाउत तौहीद। अल्लाहु अकबर। कहते हैं बाज आयतें, समझे आप, बाज आयतें ऐसी हैं जो, यानी बाज आयतें ऐसी हैं जो अहले तौहीद के मकाम को बयान करती हैं, यानी अहले तौहीद के साथ दुनिया में क्या सलूक होगा, फिर अहले तौहीद को अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में क्या क्या जजाएं देने वाला है। तो ये आयतें किस बात पर दलील है, ये आयतें इस बात पर दलील है कि अहले तौहीद के साथ कयामत के दिन क्या होने वाला है, ये यानी अहले तौहीद के जजा को बयान किया जा रहा है। फिर एक चीज कहते हैं, फिर अहले शिर्क, पांचवी जो बात दी, ये तो मफ़हूम मुखालफा हो गया कि बाज आयतों में अहले शिर्क का भी जिक्र है कि कैसे उनको सजा दी जाएगी। बस फिर आखिर में खुद नतीजा बयान करते हैं, इससे ये बात पता चली कि कुल्लू, यानी हर कुरान जो है कुल्लू, यानी कुरान की हर आयत तौहीद पर जो है दलालत करती है। देखें आप, यानी आसान बात है, अगर आप पांच नुकतों में, अगर मैं इख्तिसार से समझाऊं, तौहीद का इल्म, तौहीद इरादी, फिर अहकाम शरीयत, ये तौहीद के तकाजों में से है, फिर पांचवी चीज जन्नत का जिक्र, और चौथी चीज जन्नत का जिक्र, और जो पांचवी चीज है वो है जहन्नम का जिक्र। तो अल्लामा कय्यिम रहमहुल्लाह के इस इक्तबास के बाद हम ये देखेंगे कि आया आया ये देखेंगे
एक और एतराज जैसा अभी हमने जिक्र किया कि बाज लोग ये भी कहते हैं कि तौहीद का लफ्ज कुरान मजीद के अंदर या अहादीस सहिया के अंदर मौजूद नहीं। तो चलिए इख्तिसार के साथ इसको भी मैं 5 निकात में आपके सामने बयान करता हूँ, चंद निकात के अंदर, ताकि ये भी आप लोगों के जहन में रह जाए कि क्या ये बात सही है या नहीं है। इख्तिसार के साथ, ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। तौहीद का लफ्ज नुसूस के अंदर वाज़े तौर पर मौजूद है, ऐसा नहीं कि यूं समझे आपके बस उसका मसदर मौजूद है, बस इशारतन मौजूद है, नहीं, वाज़े तौर पर तौहीद का लफ्ज मौजूद है। वो अभी मैं रिवायतें आपके सामने बयान करूंगा। पहला नुक्ता तो यहां पर एक बात याद रखें कि ये कोई लफ्ज जब इस्तिलाह का दर्जा अख्तियार कर लेता है और किसी ग्रोह के यहाँ राइज हो जाता है तो इसका वही मफहूम मोतबर होता है जो वो ग्रोह मुराद लेता हो। अहले सुन्नत व जमात तौहीद की इस्तिलाह को मुतय्यन मफहूम में इस्तेमाल करते हैं जिससे हर शख्स बखबर है, बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे अव्वलन किसने ईजाद किया और इसके गलत माने में इस्तेमाल किया। क्योंकि बाद लोग कहते हैं कि ये खवारिज ने इस्तेमाल किया कि सबसे पहले इस लफ्ज को, नहीं, क्यों, ये कहना भी गलत है कि इसे सबसे पहले खवारिज ने बढ़ता या खवारिज इस्तेमाल किया। वो अपना नाम अहले अदल व तौहीद रखा और ये नाम भी मुतजिला फिरका का था, ना कि खवारिज का। अच्छा, तीसरी बात, किसी इस्तिलाह के लिए कुरान या सुन्नत में मौजूद होना हरगिज जरूरी नहीं। अब आप देखें बहुत सारे इस्तिलाहात आपको कुरान और हदीस में नहीं मिलेंगे। हाँ, ये बेहतर है कि किताब व सुन्नत में वारिद जो लफ्जियात है इख्तियार की जाए, अलबत्ता इसका मफहूम दुरुस्त होना चाहिए और लफ्ज तौहीद का मफहूम बिल्कुल हक है, इसमें कोई खराबी नहीं। अच्छा, जहां तक बात है कुरान मजीद की, अगरचे तौहीद का लफ्ज सराहतन कुरान मजीद में मौजूद नहीं, लेकिन इसका जो मादा है, मादा कहते हैं रूट वर्ड को, यानी वाहदा, ये इसके जो मुश्ताक है कसरत से मशकूर है, वा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। अब सूरह बकरा के अंदर और भी बहुत सारे मकामात थे, अब वो हमारा मौजू नहीं। इस एतबार से ये इस्तिलाह तौहीद की असल कुरान में भी मौजूद है। अब जहां तक अहादीस का ताल्लुक है तो अहादीस में तो बहुत सारे अहादीस में लफ्ज तौहीद मौजूद है। आइए चंद अहादीस मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली हदीस इमाम अहमद इब्न हंबल ने मुस्नद के अंदर नकल की और शेख अल्बानी रहमहुल्ला ने असहिया के अंदर इसको सही करार दिया। अमर इब्न शोएब बयान करते हैं सनद के साथ, आसिफ इब्न वैल कहते हैं कि उन्होंने ये वादा किया था कि दौरे जाहिलियत में कि वो जो है 100 बकरियों को जुबाह करेंगे और हिशाम बिन आज भी जो है 50 को उनके साथ जुबाह करेंगे। अम्र इब्ने आस ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक पूछा तो कहा, जहां तक तुम्हारे वालिद का ताल्लुक है, अगर वो तौहीद का इकरार करते हैं, यानी बित तौहीद ये लफ्ज आया है हदीस के अंदर, अगर वो तौहीद का इकरार करते थे या करते हैं तो तुम्हें चाहिए कि तुम बहरहाल रोजा रखो, सदका दो, वो एक अलग मसला ताकि उनको नफा हो। लेकिन यहां से ये बात पता चली कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का लफ्ज इस्तेमाल किया। अच्छा, दूसरी रिवायत जो इमाम इब्ने आसिम रहमहुल्ला ने अल हदीस वल मसानी के अंदर, इमाम तबरानी ने मौजमुल कबीर के अंदर नकल की और इमाम हैसमी ने मजमाउल ज़वाइद के अंदर भी, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल हारिस इब्न अल हारिस अल गामिदी कि मैंने मेरे वालिद से पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने देखा तो वो लोगों को यदउ यानी लोगों को बुला रहे थे कहाँ, इला तौहीदिल्लाह, ये लफ्ज है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की दावत दे रहे थे, वल ईमान भी, और ये कह रहे थे कि अल्लाह पर ईमान लाया जाए, तो ये लफ्ज मौजूद है और ये दूसरी रिवायत है। तीसरी रिवायत जो इमाम ने माजा रहमहुल्लाह ने अपनी सुनन के अंदर नकल किया जिसमें लिमन शाहिद अल्लाह बित्तौहीद के जो तौहीद की गवाही दे, यहाँ यहाँ भी इस हदीस के अंदर भी लफ्ज तौहीद सराहतन मौजूद है। फिर एक और रिवायत अहले तौहीद के मुताबिक के अहले तौहीद के साथ कयामत के दिन क्या सलूक होगा, शेख अल्बानी ने सहिया के अंदर उसकी असलन मुस्नद अहमद के अंदर है, इसमें भी अहले तौहीद का जिक्र है। फिर सही मुस्लिम के अंदर भी सही मुस्लिम के अंदर भी इसका जिक्र मौजूद है तौहीद का। सही मुस्लिम आप जो जिसमें अस्मा बिनते उमेस रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब जब अस्मा बिनते उमेस रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मोहम्मद इब्न अबी बकर की जब विलादत हुई तो उस रिवायत को जब आप देखेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि आप जाएं गुस्ल करें, तफसी बड़ी तवील रिवायत है, जाहिर सी बात है वो हमारा मकसूद नहीं है, लेकिन उसके अंदर आप देखेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद के जरिए से अल्लाह की बड़ाई बयान की, ये आपको रिवायत सही मुस्लिम में भी मिलेगी, इसमें भी तौहीद का लफ्ज वाज़े है। फिर
फिर और भी बहुत सारी रिवायतें हैं। तो इससे क्या बात पता चली साथियों कि लफ्ज तौहीद कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है, ये कोई ईजाद करदा या फिर ये कोई नया लफ्ज नहीं है, ये एक नुक्ता आपको बताना था। अब हम ये देखेंगे कि तौहीद की असल में फजीलत क्या है। आइए देखते हैं पहली आयत जो आपने बार बार पढ़ी होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका सबब नुजूल आप गौर करें कि ये सबब नुजूल, इसका सबब नुजूल क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर सूरह निसा के अंदर बयान किया, ये पहली आयत हम लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा इन अल्लाह ला यगफिरु अन युशरिक बिहि व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। ठीक है, अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ करता है सिवाय शिर्क के। आसान अंदाज में इमाम बगवी रहमहुल्ला इसकी तफसीर में बयान करते हैं कि ये जो आयत नाजिल हुई थी ये वहशी इब्ने हर्ब के और उनके असहाब के मुतालिक हुई थी। क्यों? इन लोगों ने सैयदना हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कत्ल कर दिया। क्यों? उनसे ये वादा किया गया था कि अगर आप सैयदना हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कत्ल करेंगे तो बदले में आपको आजादी दी जाएगी, लेकिन आखिर में क्या हुआ कि वो उस वादे को तोड़ दिया गया। जब वो मक्का को आ रहे थे तो वो काफी जो है नदामत के शिकार हुए, तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा कि हम नादिम हैं जो कुछ भी हमसे हुआ, लेकिन हम इस्लाम तो लाना चाहते हैं लेकिन एक चीज हमको रोक रही है कि जिन्होंने जुल्म किया है, जाहिर सी बात है जिन्होंने जुल्म किया है उनको उनको जो है कयामत के दिन जो है सजा देगी, सजा मिलने वाली है। तो अब हमें डर हो रहा है कि हमने तो जुल्म किया है। बहरहाल सूरह फुरकान की आयत उन्होंने बयान की, लेकिन मैं किस्सा मुख्तसर कर बयान कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हमने यानी शिर्क भी किया है, अब बहुत सारी चीजें वहशी इब्ने हर्ब ने बयान की। जब ये बातें पहुंची तो फिर आयत नाजिल हुई, तो हत्ता के ये सिलसिला चलता रहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, यहां तक ये आयत नाजिल हुई। दो दो आयतों के मुताबिक था, एक तो सूरह जुमर के अंदर के कुल या इबादिल्लज़ीना असरफू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, और ये एक आयत। तो यहाँ पर जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि आप सोचें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहशी को तक माफ कर दिया, तो आप सोचें कि शिर्क की यानी शिर्क इतनी बुरी चीज है कि ये एक ऐसा गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने करम से अपने रहम से हर गुनाह को माफ करने के लिए तैयार है सिवाय शिर्क के। बल्कि एक हदीस मैं आपके सामने इसकी वजाहत में रखना चाहूंगा जिसको मुतअद्दिद मुहद्दिसीन ने नकल किया है, लेकिन जो अल्फाज मैं आपके सामने रख रहा हूँ उसको इमाम बयहकी रहमतुल्लाहि अलैह ने शुएबुल ईमान के अंदर नकल किया और शेख अल्बानी रहमहुल्लाह ने अस्सहीहुल जामे के अंदर इसको सही करार दिया। हदीस कुदसी है, قال الله تعالى يا ابن آدم مهما عبدتني ورجوتني ولم تشرك بي شيئا غفرت لك الا ما كان منك وان استقبلتني بملء السماء والارض خطايا وذنوبا استقبلتك अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा कि ए आदम के बेटे, जब कभी तुम मेरी इबादत करो और मुझ पर उम्मीदें बांधो और शिर्क ना करो तो मैं तुम्हारे हर गुनाह को माफ करूंगा। अगर जमीन व आसमान जितने गुनाहें और कोताहियां लेकर भी तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारी मगफिरत कर दूंगा, और इसको यानी अल्लाह ताला के पास किसी चीज की कमी नहीं है। सुभान अल्लाह, यानी तौहीद। बल्कि आप इससे भी अंदाजा करें, बात से बात याद आ गई, इमाम अबू याला रहमतुल्लाहि अलैहि इमाम हैसमी रहमहुल्लाह मजमा उज़वाइद में नकल करते हैं, याद अंसारी قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لا إله إلا الله كلمة لله كريمة لها عند الله مكان وهي كلمة من قالها صادقا أدخله الله به الجنة ومن قالها كاذبا حقن دمه وحرزت ماله ولقي الله غدا فحسابه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم कि ये जो गवाही है لا اله الا الله, ये जो कलिमा है अल्लाह के पास इसका मकाम है, जो कोई इसको सिद्क दिल के साथ कहता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत में दाखिल कर देता है, और जो कोई इसको झूठ के साथ कहता है यानी जबान से तो कह देता है लेकिन दिल से तस्दीक नहीं करता, तो भी इस कलिमे की बरकत यह है कि दुनिया में उसकी माल और उसकी जान हुरमत वाली हो जाती। क्योंकि आप सोचें मुनाफिकीन को आप देखें, क्या आप किसी आपको पता नहीं कि वो मुनाफिक है, लेकिन कलमा उसने पढ़ा है, नमाज वो पढ़ रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसका माल उसका खून आपके ऊपर हराम होगा, लेकिन कयामत के अल्लाह रब्बुल इसका हिसाब लेगा। तो एक कलिमे की इतनी फजीलत,
इमाम उबुयाला इमाम अबू नुएम रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम उबुयाला रहमतुल्लाहि अलैह मुस्नद के अंदर नकल करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह तमनउल इबादी मिन सखतिल्लाहि मा अलम युसिरु सफकतन दुनियाहुम अला दीनहिम फइजा असरु सफकता दुनियाहुम अला दीनहिम सुम्मा कालू ला इलाहा इल्लल्लाह रुद्दा अलैहिम वकाल अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला कज़बतुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इमाम हसन ने इसको हसन करार दिया कि जो कोई कलमे तौहीद यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता है, ये कलिमा अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराजगी से उसे महफूज रखता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराजगी से उसकी हिफाजत करता है। हाँ, अगर वो आखिरत को तरजीह ना दे, दुनिया को तरजीह दे और दुनिया के पीछे दौड़े, आखिरत को वो भूल जाए, तो जब क्या होगा, ये कलिमा तौहीद उसका रद्द कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला कहेगा कि तुमने तौहीद की गवाही तो दी, इस बात की गवाही दी, मफहूम मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि दुनिया तुम्हारे लिए मैंने पैदा की, लेकिन तुम इस दुनिया के पीछे दौड़े मुझे छोड़कर, तुमने झूठ कहा, कज़ब तुम। तो तौहीद के तकाजों को भी पूरा करना चाहिए। तो बहरहाल बात से बात दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं बात ये अर्ज कर रहा था कि सूरह निसा की इस आयत से ये बात पता चली। क्या बात पता चली? बात ये पता चली कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर गुनाह को माफ करेगा सिवाय शिर्क के। ये पहली बात सूरह निसा से पता चली। सूरह मायदा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, हाज़ा यौमु यनफ़ुस सादिकीना सिदकुहुम, कि ये वो दिन है जहां पर सिद्दीकीन जो है उनका सिद्क होने काम आएगा। अगर आप इस आयत को उठाकर देखें, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु इमाम ने कसीर अपनी की तफसीर के अंदर नकल करते हैं कि कयामत के दिन मुवाहिद को उनकी तौहीद काम आएगी, बल्कि मुस्नद अहमद के अंदर है कि आमाल लाए जाएंगे। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह रिवायत करते हैं कि या रब्बी अनिस सलात अनिस सौम, कि मुख्तलिफ आमाल आएंगे। समझ रहे हैं आप कि बंदे का नमाज आएगा कि मैं नमाज हूं, मैं रोजा हूं, मैं सदका हूं, मैं हज हूं, बहरहाल सबको बाजुक रख दिया जाएगा। लेकिन जब इस्लाम आएगा, उसका अकीदा आएगा, उसका जो मनहज था या उसका जो तरीका था, उसका जो एतकाद था, वो आएगा, वो कहेगा या रब्बी अनिल इस्लाम अंतस्सलाम, कि या रब मैं इस्लाम हूँ, क्या माना, मैं अकीदा हूँ, मैं वो मारिफत यानी मेरी जो मारिफत थी तेरे अहकाम को लेकर, मेरा जो एतकाद था तुझे लेकर, मैं वो हूँ, तू सलाम है। तो जब उसको तोला जाएगा, अगर वो दुरुस्त निकले तो बाकी आमाल को तोला जाएगा, वरना तमाम आमाल को रायदा कर दिया जाएगा। हल अताक हदीसुल गाशिया वुजूह यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। तो पता ये चला कि तौहीद दुरुस्त होनी चाहिए। तो पहला नुक्ता जो हमने कुरान मजीद से समझा वो ये है कि अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ करेगा सिवाय शिर्क के। दूसरा, अगर तौहीद में ही कलल है तो कोई आमाल कयामत के दिन नफा देने वाला नहीं है, ये तौहीद ही आपको नफा देने वाली है, जैसे अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला ने बयान किया, ठीक है। बल्कि अल्लाह अकबर, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम मालिक रहमहुल्लाह के मारूफ यानी अस्हाब में से एक शख्स है, एक इमाम है, बल्कि बहुत बड़े इमाम, काजी याद रहमहुल्लाह ने तरतीबुल मदारिक फी तक़रीबुल मसालिक के अंदर नकल किया इमाम सहनून रहमहुल्लाह का। इमाम ज़हबी ने यासिर अलम नुबला के अंदर नकल किया, इमाम सहनून के बारे में आप पढ़े, इसको होमवर्क कर लें आप पढ़े। इमाम यहिया रहमहुल्लाह कहते हैं कि मैं इमाम सहनून के साथ इब्नुल कस्तार, ये बहुत बड़े उसूली आलिम है, वो मर्दुल मौत में थे, सकरात में थे, हम मिलने के लिए गए। अल्लाहु अकबर। तो पूछा कि इब्नुल कसार को पूछा, इब्नुल कसार मरीज है, इमाम सहनून इयादत के लिए गए, कि बताओ क्या मामला है, रो रहे थे, माँ युवती का क्यों रो रहे हो? कहा कि तकलीफ बढ़ गई है, बेचैनी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मौत के करीब। अल्लाह अकबर। इमाम सहनून रहमतुल्लाह ने पूछा, क्या आप अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, क्या आप मलाइका पर ईमान नहीं लाते, क्या उसकी किताबों पर ईमान नहीं लाते, क्या फरिश्तों पर ईमान नहीं लाते, क्या आप इस बात पर ईमान नहीं लाते कि कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है, क्या आप इस बात पर ईमान नहीं लाते कि अर रहमान वल अर्श इस्तवा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अर्श पर मुस्तवी है, क्या आप इस बात पर ईमान नहीं लाते कि अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर व उमर, कि सैयदना अबू बकर और उमर अंबिया के बाद सबसे बेहतरीन अशखास है, सबसे बेहतरीन शख्सियात है? तो कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल इस बातों पर ईमान लाता हूँ। तो कहा इमाम सहनून ने, अगर आप इन चीजों पर ईमान लाते हैं, यानी क्या माना, अगर आपका अकीदा दुरुस्त है, आप जब चाहे मौत हो जाए, आप जब चाहे फौत हो जाए, आप जब चाहे फौत हो जाए, ये बात इमाम सहनून ने कही। यानी क्या माना कि अगर इंसान अकीदे सलीम यानी सही अकीदे पर मरता है तो मौत उसके लिए बाइस राहत होगी, ना कि बाइस अजाब। और इंसान अगर ऐसी मौत मरता है कि जब उसका अकीदा दुरुस्त नहीं, तो मौत उसके लिए बाइस अज़ाब होगी, ना कि बाइस राहत। अल्लाह हम सबको जो है ईमान पर मौत नसीब फरमाए, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कलबी अला दीनिक। तो बहरहाल
बात ये अर्ज कर रहा था कि ये तौहीद ही है जो इंसान को दुनिया और आखिरत में नजात देगी। अच्छा, और एक आयत को आप लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर क्या कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि सूरे मरियम के अंदर, वकालु तखदुर रहमान वलदा लकद जीतुम शयन इद्दा तकादु السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتطير الجبال حتى, के ये लोग यानी क्या कहते हैं, कौन, नसारा, क्रिश्चियंस, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला, यानी ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो है बेटा लिया है अपने लिए, औलाद बनाई है, नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक। यकीनन तुम, अल्लाह ताला ने क्या, यकीनन तुम बहुत बुरी और भरी चीज, यानी इतनी बुरी चीज तुम जो कह रहे हो, करीब है कि इस कौल की वजह से आसमान फट जाए और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजे रेजे हो जाए। अल्लाह अकबर, तुम ऐसी बात कर रहे हो, समझ रहे हैं आप। अब इससे क्या बात पता चली साथियों, इससे ये बात पता चली कि शिर्क की वजह से तकरीब है, तकरीब कहते हैं डिस्ट्रक्शन को, डेमोलिशन को। शिर्क जब दाखिल होता है तो शिर्क तकरीब का सबब बनता है, यानी शिर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और कॉन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्ट्रक्शन। जहां शिर्क होगा वहां पर बर्बादी होगी, है कि नहीं। अब इसका मफहूम मुखालफा क्या बना, मफहूम मुखालफा ये बना कि जहां पर तौहीद होगी वहां पर तामीर होगी, वहां पर डेवलपमेंट होगी। तो पता ये चला कि किसी कौम की तरक्की का सबब तौहीद होगा और किसी कौम की जिल्लत का सबब शिर्क होगा। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर यही बयान, अल्लाह अकबर, शेख अहमद अल हमदान बयान करते हैं कि 1996 में शेख हुसैमीन रहमहुल्लाह का यह तरीका था कि वो हमेशा जिद्दा जाया करते थे या मीना जाया करते थे, हज के मौसम में, हज का मौसम चल रहा है तो क्या करते वो, या तो जिद्दा एयरपोर्ट जाते, वहां पर हाजियों से मिलते, या मीना को जाते, वहां पर हाजियों से मुलाकात करते। कहते हैं कि 1996 की बात है कि शेख हुसैनीन और मैं, शेख अहमद अल हमदान इस वाक्य को बयान करते हैं और डॉक्टर वलीद ने इस वाक्य को लिखा है। शेख अहमद अल हमदान कहते हैं कि हम शेख हुसैनीन के साथ गए जिद्दा एयरपोर्ट और वहां पर हम पहुंचे तो हमने देखा कि एक मजमा लगा हुआ है। तो शेख हुसैन ने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, तो पहले तो मुश्किल हुई बात समझाने में क्योंकि वो लोग रूसी थे, रूसी यानी रशियंस थे, शेख हुसैन अरबी थे। तो बाद में एक नौजवान उठा, कहा कि मैं तर्जुमा कर दूंगा, आप बताते जाए। तर्जुमा करते गए तो पहली चीज शेख अहमद अलमदान कहते हैं कि शेख हमेशा तौहीद की दावत देते थे। तो शेख ने तफसील के साथ बयान किया कि हज का मकसद क्या है, तौहीद रूह है और पूरे तौहीद की फजीलत, तौहीद के जो तकाजे हैं, फिर तौहीद को नाकिस करने वाली जो चीजें, नवाकिद है, वो पूरे आप बयान करते चले गए। और बाद में नौजवान ने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो कहा कि शेख हुसैनीन है। तो कहा, पूरा मजमा खुश हो गया, मजमे ने कहा कि हम जब जब हम पर जुल्म किया जाता था रूस के अंदर, सोवियत यूनियन, तो जब हम वहां पर शेख के दर्स सुनते थे और शेख के जरिए से हम अपनी, शेख के दुरूस और मुहाजरात और किताबों के जरिए से हम अपनी अकीदे की इस्लाह करते थे, आज अल्लाह के फजल से शेख से मुलाकात हुई। बाद में शेख ने कहा कि अल्लाह ताला आपका हज आपको मुबारक बनाए। बहरहाल ये बहुत सारे फायदे इस किस्से से निकाले जा सकते हैं। एक फायदा जो क्या बात पता चली साथियों, कि तौहीद को तरजीह दी जाए, जब कभी आपको मौका मिले तौहीद से जो है बात को शुरू किया जाए। यहाँ पर बात दूसरी तरफ आ गई, अर्ज ये कर रहा था कि तौहीद तामीर है, यानी तौहीद इज द वे फॉर डेवलपमेंट, और जो शिर्क है वो तकरीब है, इज द वे फॉर डिस्ट्रक्शन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह हज के अंदर ही, जैसा अभी हमने हज का जिक्र किया, सूरह हज के अंदर ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा, वमन युशरिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्रा मिनस समाई, के ये खर्रा मिनस समाई, इसको याद रखे, खर्रा मिनस समाई फतक्तफुहु तैर वा तहवि बिहि रीहु बिमकानिन सहीक। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह हज के अंदर बयान किया कि इनमें तुम्हारे लिए, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा इन लोगों के लिए, यानी जो शिर्क करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा कि ये जो लोग, सुनो, जो अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले गोया आसमान से गिर पड़े, अब तो या उसे परिंदे उचक ले जाएंगे या हवा किसी दूर दराज की जगह फेंक देगी। अब क्या माना है साथियों, पहले तो जरा इसका मैं मतलब समझा देता हूँ। क्या आपने कभी शिर्क करने वालों को देखा कि वो आसमान से गिरे? नहीं। अगर आप तफसीर पढ़ेंगे, और खासकर तफसीर तो नहीं कहूंगा, तारीख की किताबें पढ़ेंगे, तो असल में होता ये था, मुशरिकीन जब लड़ते थे तो बसा औकात जो जीतने वाला गालिब लश्कर होता था वो पहाड़ के ऊपर होता था,
हारने वाला पहाड़ के नीचे, जब वो ऊपर चढ़ जाते तो ये हरा देते, इसी किस्म की कुछ वाकया होता तो वो वहां पर क्या करते, उनको खत्म कर देते और उनको पहाड़ पर छोड़ देते और चले जाते। अब क्या होता, अब पहाड़ पर ना पानी पहुंचेगा, ना कोई मदद के लिए पहुंचेगा, ना किसी को पता चलेगा, तो परिंदे चीर पार कर खा लेते और बची कुछ हड्डियां जब हवा, जब तूफान आता तो वो भी रेजा रेजा हो जाती। ये बदतरीन किस्म की जिल्लत थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि इससे भी बदतर जिल्लत है, या इस जब तुम शिर्क करोगे तो क्या होगा कि तुम आसमान से फेंक दिए जाओगे। इब्ने कय्यिम रहमहुल्लाह मफहुम मुखालफा बयान करते हैं कि जब शिर्क करने की वजह से इंसान आसमान से गिर रहा है तो तौहीद की वजह से इंसान आसमान पर चढ़ भी सकता है, मफहुम मुखालफा। तो तौहीद रिफत है, तौहीद के जरिए से इंसान आसमान तक पहुंचता है, और शिर्क के जरिए से इंसान जिल्लत की यानी इंतहाई जिल्लत पर वो पहुंच जाता है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। फिर एक मकाम पर, यानी मैं समझा रहा हूं बस अहादीस पर, और आप देखिए साथ में, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है। आप पूछेंगे कि डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन कैसा, मैं आपको दो मिसालें देता हूं, और अगर आप मिसालें पढ़ना चाहें तो आप अलामने खल्दून की तारीख भी पढ़ ले, इबन कसीर की अलविदाया व निहाया भी पढ़ ले, इबन इमाम तबरी को पढ़ ले, इबन जोजी को पढ़ ले। दो दो मिसालें मैं आपको दूंगा जिससे आप समझेंगे कि डाउनफॉल। बगदाद को आपने, अंदलूस को आपने, बगदाद दारुस्सलाम कहलाता था, बल्कि बगदाद का ये आलम था, अंदलूस का तो ये आलम था कि पूरी दुनिया तारीकी में सोआ करती थी। अंदलूस वाहिद मुल्क था जहां पर मुसलमान स्ट्रीट लाइट जलाकर, यानी पूरी दुनिया अंधेरों में सो रही है, लेकिन वहां के जो रास्ते, जो तरीके, तरीक जो स्ट्रीट थे वो भी रोशनी में हुआ करते थे। लेकिन क्या हुआ, अंदलूस का जवाल क्यों हुआ? मुत्तफ़क़ाले मसला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्मा व सिफात का उन लोगों ने इनकार कर दिया। तातील, तहरीफ, तशबीह, तमसील, तावीलात से काम लिया, जिल्लत का वो शिकार हो गए। बगदाद को आप ले लें, ऐसा बगदाद जो इल्म का मरकज था, जो खिलाफत और ताकत की निशानी मानी जाती थी, वक्त के उलमा, फुकहा, मुज्तहिदीन, मुअर्रिकीन, बड़े बड़े सलातीन और उमरा वहां दारुस्सलाम उसको कहते थे। लेकिन क्या हुआ, जब कुरान मजीद का इनकार कर दिया, या अल्फाज दीगर कुरान मजीद को मखलूक कह दिया, तो वहां से सल्तनत कमजोर होना शुरू गई, हत्ता कि सल्तनत की धज्जियां उड़ गई, और आज तक भी वो लोग दोबारा सल्तनत हासिल नहीं कर पाए। मुगलिया सल्तनत को आप ले लें, हुमायूं, बाबर, फिर उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो जब अकबर आया, अगर आप उसकी तारीख पढ़ना चाहें, जब शेख अहमद सरहंदी का आप जब देखें, तो शेख अहमद सरहंदी रहमहुल्ला ने, जिनको मुजद्दद अल्फसानी भी कहा जाता है, आप देखें कि जब दीन इलाही को उसने नाफिज करने की कोशिश की अकबर ने, वहां से जो है डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। तो तौहीद, ये असल में ये तारीख गवाह है, तौहीद हमेशा इंसान की, किसी कौम की तरक्की का सबब बनती है, और शिर्क हमेशा जवाल का सबब बनती है। ये बात आप लोग याद रखें, ये नुक्ता मैं आपको, ये इस नुक्ते को याद रखें, ठीक है? अच्छा, एक और बात जो आपको याद रखनी चाहिए क्या है, अल्लाह ताला का उसवा आप देखें। ये तो आपने सुना होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवा, खुद अल्लाह ताला अपने आप को उसवा बना रहा है सूरह इमरान के अंदर। अल्लाह ताला क्या कहता है, शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم। अल्लाह ताला गवाही देता है किस चीज की, तौहीद की। मलाइका गवाही देते हैं, अहले इल्म गवाही देते हैं। अब यहां पर एक बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इमाम तबरी रहमहुल्ला तफसीर तबरी के अंदर एक दिलचस्प बात लिखते हैं। इमाम तबरी रहमहुल्ला कहते हैं, फबदा जल्ला सनाहु बिनफ्सिही तअज़ीमन लिनफ्सिही व तनज़ीहन लहा अम्मा नसब अल्लज़ीना ज़करना امرهم من اهل الشرك به ما نسبوا اليه كما سن لعباده ان يبداوا في امورهم بذكره قبل ذكر غيره। इमाम तबरी रहमहुल्ला बयान करते हैं कि अल्लाह ताला तौहीद की गवाही देने का हुक्म दे, तौहीद की गवाही देने का हुक्म देने से पहले और फरिश्तों और अहले की गवाही पेश करने से पहले खुद गवाही दी है कि नहीं। अल्लाह ताला खुद शहीद अल्लाह, अल्लाह ताला खुद गवाही दे रहा है, आगाज खुद अल्लाह ताला ने किया ताकि तौहीद की अजमत वाजे हो, काफिरों और मुशरिकों की बातों से बरात हो, और इसलिए भी अल्लाह ताला ने खुद से आगाज किया ताकि अहले इस्लाम को ये बताने के लिए कि खैर की तरफ दावत देने से पहले खुद उसको इख्तियार करे, इसने अपनी जिंदगी में लाए ये चीज। यानी देखिए, अल्लाह ताला ने खुद इससे पैदा की। इमाम तबरी रहमहुल्ला ने एक लतीफ नुक्ता बयान किया। अच्छा,
एक बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, जो उमूमन गलती होती है और हम इस दर्स में कोशिश करेंगे। सैयद अबू बकर गजनवी रहमहुल्ला अपने मकालात में लिखते हैं, उमूमन होता ये मुवहिद होते हुए मुअद्दब होना और मुअद्दब होते हुए मुवहिद होना बहुत बड़ी सआदत है। क्या माना? मुवहिद कहते हैं जो तौहीद का इकरार करता है, मुअद्दब कहते हैं जिसके पास अदब। कुछ लोग, यानी ये मेरे अल्फाज नहीं है, अबू बकर गजनवी रहमहुल्ला कहते हैं, कुछ लोगों की तौहीद की शुद्ध बुद्ध होती है तो अदब की लताफतों और बारीकियों से महरूम होते हैं, और कुछ लोगों को अदब की शुद्ध बुद्ध होती है तो तौहीद के मारिफ से महरूम होते हैं। यानी बाज लोग के पास तौहीद का इल्म तो होता है लेकिन अदब उनके पास नहीं होता। किन का अदब? अंबिया अलैहिस्सलाम का, सहाबा का, अहले इल्म का। यानी तौहीद की आड़ में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि नऊज बिल्लाह मिन ज़ालिक, बसा औकात अंबिया अलैहिस्सलाम सहाबा की तौहीन कर बैठते हैं, औलिया की तौहीन कर बैठते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। और बाद लोग अदब जिनके पास होता है उनके पास तौहीद का नहीं, कहते हैं मुअद्दब होते हुए मुवहिद होना और मुवहिद होते हुए मुअद्दब होना ये बहुत बड़ी शहादत है दोस्तों, और मैं खुदा से इस शहादत की भीख मांगता हूँ। ये अल्फाज सैयद अबू बकर गजनवी के हैं। तो हम भी कोशिश करेंगे कि तौहीद के साथ इस दर्स में हम अदब को भी सीखें, गोया ऐसा ना हो कि तौहीद की आड़ में तौहीन कर बैठे। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। और भी बहुत सारी बातें थी लेकिन वक्त हो चुका है, मैं यहीं पर अपनी बात को रोकता हूँ। उम्मीद कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं इंशाल्लाह, ये तो एक इब्तदाई मरहला है। हम ये इब्तदाई मरहले को और एक 4 से 5 दरसों में रखेंगे ताकि असल चीज वाजे हो कि आया इसकी अहमियत कितनी है, उसके बाद हम तफसील से पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, जो कुछ भी इसमें खताएं हुई है वो हमारी नफ्स और शैतान की तरफ से, जो कुछ भी इसके अंदर खैर की बातें हुई है वो अल्लाह ताला के फजल से। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हक बात कहने की और हक बात समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौहीद के तकाजों को पूरा करने की और तौहीद का सही मानों में इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।